हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू हैव कवर्ड क्वेश्चन नंबर 1 to 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस 0.999 एंड इट कंटिन्यूज इन पी बाई क्यू फॉर्म। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। 0.999 एंड सो ऑन, इसको आप क्या लिख सकते हो? 0.9 बार। ठीक है, आप देख रहे हो वन नंबर जो है आपका डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है, तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो लेट हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0.99 एंड सो ऑन। ओके, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। ओके, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 10 है, तो आपका 1 जो डिजिट है वो शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 9.999 एंड सो ऑन। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्ट 2 - 1। आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 9x इज इक्वल टू 9.99 एंड सो ऑन -0.99। ठीक है, तो 9x आपका किसके इक्वल आ जाएगा? 9 के, और x क्या आ जाएगा? 1, विच मीन्स जो हमारे पास 0.99 जो नंबर था ये किसके इक्वल आ गया? 1 के। तो ये पूछना चाह रहा है कि आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हो? यस ऑफ कोर्स वी आर सरप्राइज्ड। क्यों? क्योंकि 0.99 जो नंबर है वो कह रहे हैं कि 1 के इक्वल आ गया। तो देखिए हमारे पास क्या है, अभी 9x जो था 9 के इक्वल आया था, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 9/9 एंड विच इज इक्वल टू 1, ये क्या आया था ना। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, जैसे मान लीजिए आपके पास है 0.23। ठीक है, आपके पास ऐसा कोई भी नंबर है। ओके, जब हम पॉइंट को रिमूव करते हैं, डेसिमल को रिमूव करते हैं, तब हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से हम जीरो लगाते हैं, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो आप इसको रिमूव करके क्या लगाते हो? दिस। ठीक है ना, बट आप नोटिस कर रहे हो इस नंबर में पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, उन पर कोई बार नहीं है। अगर बार हो, मान लीजिए 0.6 का आपके पास बार होता, ठीक है, तो अगर बार वाले क्वेश्चन हो ना आपके पास, तो हमें क्या करना है? डेसिमल को हटा के क्या करोगे? इसको क्या लिख सकते हो? 0.6/9 और 6/9। ठीक है, तो जहां बार आएगा ना, अगर 1 डिजिट के ऊपर बार है डेसिमल के बाद, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास आता 0.46 बार आता मान लीजिए, तो 2 डिजिट्स के बाद बार है, तो आप क्या लिखोगे? 46/99। ओके, तो डेसिमल के बाद जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं आप उतने ही से उसको, उतने ही नंबर ऑफ 9 से आप उसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन। अब हमें देखो यहाँ क्या कह रहा है, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, इसका मीनिंग क्या होता है आपको पता ही है। रिपीटिंग ब्लॉक मीन, जैसे मान लीजिए यह 0.23 बार है, ठीक है, तो 0.23 बार का मतलब क्या है हमारे पास कि 2 3 जो है वो रिपीट हो रहा है ना, तो 2 3 रिपीट हो रहा है, तो हमारा जो ब्लॉक बना, रिपीटिंग ब्लॉक बना डिजिट्स का, वो ये बना। ओके, तो आपको कह रहा है 1/17 का आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, यानी 17 से 1 को डिवाइड करना है विद लॉन्ग डिवीजन, और आपको बताना है कि कितने नंबर के बाद वो जो है नंबर्स रिपीट होना शुरू होंगे। तो एक्चुअली बहुत लंबा डिवीजन चलेगा, ठीक है, तो देखिए 17 की टेबल आई होप आपको आती होगी, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको आती भी है ना, फिर भी आप उसको ऐसे राइट कर लीजिए जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, किसी भी मिस्टेक हो गई तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। तो आप इसको जरूर ऐसे, जो लॉन्ग डिवीजन के लिए आपको अगर बड़ी टर्म दे, तो आप उसको उसका जो टेबल है वो लिख लेना साइड में, ठीक है। तो अभी वैसे इस टाइप के क्वेश्चन इतने लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, बट फिर भी अगर आपकी बुक में है क्वेश्चन तो आपको ये करना है। ओके, तो चलो डिवाइड करते हैं विद पेशेंस, ठीक है, 17 से 1 को डिवाइड करना है। ओके, तो अब देखिए 17 1 को तो डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 0, ये अभी भी इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो यहाँ 0 एंड यहाँ भी 0। अब देखिए 17 को आपको
70 से डिवाइड करना है 100 को, तो 100 से जो छोटा नंबर कौन सा है 85, ऑन 5, तो यहाँ 5 पर क्या आ जाएगा 85, रिमाइंडर क्या बच गया आपके पास 15, ओके। नाउ 0, अब देखिए 17 की टेबल में 150 से कम कौन सी वैल्यू है, दिस वन 136, 8 पर आएगा, ओके 136, रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास 4 एंड 1, 14, ओके। नाउ 0, 140 से छोटा नंबर, 136 है आपका 8 पर, अगेन 17 8s आर 136, रिमाइंडर इज 4, 0, 40 से छोटा नंबर आता है 34 ऑन 2, तो 17 2s आर 34, रिमाइंडर इज 6, ओके अगेन 0, 60 से छोटा नंबर क्या है 51 ऑन 3, तो 17 3s आर यहां लिख लेते हैं हम, ठीक है 60, 17 3s आर 51, रिमाइंडर इज 9, 0, 5s आर 85, रिमाइंडर इज 5, अगेन 0, 2 पर जाएगा ना, 17 2s आर 34, रिमाइंडर इज 16, ओके फिर से 0 लगा दीजिए, 160 से छोटा नंबर क्या है 153 ऑन 9, तो 17 9s आर क्या आ गया हमारे पास 153, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 7, ओके फिर से 0 लगा दीजिए, 70 से छोटा नंबर क्या आ रहा है 68 ऑन 4, तो 4 पर क्या आ जाएगा 68, रिमाइंडर इज 2, फिर से 0 लगा दीजिए, 1 पर चला जाएगा 17, रिमाइंडर इज 3, ठीक है फिर से 0 लगा दीजिए, अगेन 17 1 पर ही जाएगा, ठीक है 17 क्या बचा आपके पास 3 एंड 1 13, ओके फिर से 0 लगा दीजिए, 7 पर जाएगा इस पर क्या आएगा 119, 11 इज रिमेनिंग 0, अब किस पर जाएगा 6 पर, तो यहां लिख लेते हैं 110, और ये 6 पर जाएगा तो क्या आएगा 102, रिमाइंडर इज 8, फिर से 0 लगा दीजिए, अब जाएगा 4 पर 68, रिमाइंडर इज 12, फिर से 0 लगा दीजिए 7 पर जाएगा 119, रिमाइंडर इज 1, 1 से शुरू किया था ना, वापस से कहां गए 1, क्योंकि अब आप 0 लगाओगे ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, यहां फिर से 0 लगाना पड़ेगा हमें, ओके यहां फिर से 0 लगाएंगे तो आपकी सेम प्रोसेस रिपीट होती जाएगी, ठीक है ना, फिर से ये 5 पर जाएगा, ओके तो देखिए 1 को आपने 17 से डिवाइड किया तो हमारा जो ये नंबर है ना ये ब्लॉक जो है इतना ये रिपीटिंग ब्लॉक है, क्योंकि इसके बाद जो भी आगे डिजिट्स आएंगे वो रिपीट करेंगे, ठीक है तो क्या है हमारे पास 0.058823529411 7647, ओके तो एक्चुअल में इसका बार, ठीक है तो जो रिपीटिंग ब्लॉक आया हमारे पास वो क्या आ गया 0.058823529411 7647 का होल बार, ओके So this is our question number 5 and we will move to question number 6 in our next video. तब तक के लिए bye bye, take care.